हेलो फ्रेंड्स आई एम चाहत एंड आई वेलकम यू बैक टू आर चैनल सो टूडे वेरी न्यू टॉपिक दैट इज प्रशन नॉट सो न्यू ना सो लेट्स बिगिन वॉट इज अपोजिशनिशन इज अ वर्ड यूज टू लिंक नाउन्स मतलब कि प्रपोजिशन एक वर्ड है जो हम नाउन्स को लिंक करने में प्रोनाउंस को लिंक करने में या फिर फ्रेजेस को बाकी वर्ड से लिंक करने में यूज करते हैं सो दे ऐट टू कनेक्ट द पीपल ऑब्जेक्ट टाइम एंड लोकेशन ऑफ सेंटेंस मतलब कि लोगों को ऑब्जेक्ट्स को टाइम को लोकेशन को लिंक कर देता है सो टाइप ऑफ प्रपोजिशन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम द फर्स्ट वन इज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम मतलब की ऐसी प्रपोजिशंस जो कि टाइम से रिलेटेड कुछ हों जैसे एट ऑन एन बिफोर एंड आफ्टर दे आर यूज टू हेल्प इंडिकेट वेन समथिंग हैपन हैप्पन्स और विल हैपन मतलब ये वाली प्रपोजिशन यू हम किस लिए यूज़ करते हैं जो इंडिकेट करती हैं कि कुछ होने वाला है सो आई वॉज बॉर्न ऑन जुलाई फोर्थ नाइनटीन ऐटी टू तो वो बोलता है कि मैं कब बॉर्न हुआ जुलाई फोर्थ नाइनटीन एटी टू अब हम टाइम बता रहे हैं डेट बता रहे हैं स्पेसिफिकली तो हम क्या यूज़ करें प्रेपोजिशन ऑफ टाइम दैट इज ऑन आई वॉज बॉर्न इन 1982 अगर हम ईयर बता रहे हैं तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे इन डेट बता रहे हैं ऑन ईयर बता रहे हैं तो इन आई वॉज बॉर्न एट एग्जैक्टली टाइम टू एम अब हम टाइम बता रहे हैं स्पेसिफिकली दो बजे में पैदा हुआ था तो क्या यूज करें एट आई वॉज बॉर्न टू मिनट्स बिफोर माई ट्विन ब्रदर अपने ट्विन ब्रदर से दो मिनट पहले हुआ था तो हम क्या यूज़ हैं बिफोर दैट इज़ अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम I was born after the Great War ended. जब ग्रेट वॉर खत्म हुआ तब मैं पैदा हुआ खत्म हुआ होने के बाद तो क्या यूज करेंगे आफ्टर Preposition ऑफ प्लेस सो ऐसी प्रपोजिशन दैट आर यूज टू इंडिकेट टाइम ऑन एट इन एंड आर ऑल्सो द मोस्ट कॉमन प्रेपोजिशन टू इंडिकेट पोजिशन मतलब कि जो पोजिशन भी बता रही हूँ फॉर एग्जाम्पल द कैट इज़ ऑन द टेबल जो कैट है वो टेबल के ऊपर है अब वो क्या बता रही है पोजिशन बता रही है उसके द डॉग्स आर इन द कैनल कैनल के अंदर है डॉग्स की पोजिशन बता रहा है इन वी कैन मीट एट द क्रॉस रोड्स क्रॉस रोड्स पे हम लोग मिल सकते हैं एट भी क्या बता रहा है उसकी पोजिशन सो प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट मूवमेंट वाली प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट आर क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड दे दे आर लेस ऑफ प्लेस एंड टाइम एसेंशियली डिस्क्राइब हाउ समथिंग और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मतलब कैसे कोई चीज या कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो वो प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट के थ्रू हमें पता लगता है फॉर एग्जाम्पल वेकेशन टू फ्रांस मूवमेंट हुई है उसकी वेकेशन पर गया है वो तो क्या यूज करें ऑन शी वेंट टू द बॉलिंग एले एवरी फ्राइडे लास्ट समर कहाँ गई है वेंट टू द मूवमेंट हुई है उसकी आई विल गो टू बेड वैन आई एम टायर्ड जब मैं थक जाऊंगा तो मैं सोने चला जाऊँगा मूवमेंट हो रही है थक गया फिर सोने चला गया बेड पर जा रहा है तो गो टू बेड दे विल गो टू द जू इज द फिनिश देर एरें प्रपोजिशन विद नाउंस ही डिस्प्लेड क्रिएलिटी टू वर्ड्स हज टॉक Cruelty towards his dog. उसने क्या दिखाई क्रुआलिटी दिखाई किसकी तरफ डॉग की तरफ, की तरफ. So, क्या हो जाएगी हमारी प्रपोजिशन शी हेड नॉलेज ऑफ फिजिक्स उसको काफी वर्ल्ड रेकॉर्ड अटेम के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं पुलिस हेल्ड एन इंक्वायरी इन टू द मर्डर into the murder. Now, prepositions with verbs. He admitted to the charge. हमेशा admitted के साथ क्या लगेगा to. He must apologize for his action. उसे अपने actions के लिए माफी मांगनी चाहिए apologize के साथ for. I don't agree with your claim. मैं तुम्हारे claim के साथ agree नहीं करता agree के साथ with. Prepositions with adjectives. I'm happily married to David. आई एम हैबाउट क्या हो जाएगा प्रपोजिशन क्रेजी किसके लिए मूवी के लिए मिशाइल इज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स जो मिशाइल है वो इंटरेस्टेड है किसके अंदर पॉलिटिक्स के अंदर वी आर सॉरी फॉर योर लॉस फॉर योर लॉस सॉरी है किसके लिए तुम्हारे लॉस के लिए सो दीज व एजेक्टिव एंड इट्स टाइप विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो टॉपिक टिल देन की